कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है हो गया ना। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नौशाद अख्तर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में। सभी का स्वागत है, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो आज हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी, क्लियर? क्या होगी? प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेंगे, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन बना है उसके अंदर जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उन पर डिपेंड करती हैं, क्लियर? ना कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर। सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी, थर्ड होगी, सॉरी, क्या होगी? थर्ड। इसमें बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं, जब हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसका उस टाइम फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। और बात करेंगे फिर हम जो हमारा जो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, प्योर फॉर्म में होगा, कोई भी मिलावट नहीं होगी, तो उस टाइम उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो बात करेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। स्टार्ट करते हैं, क्या करें? स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो बात करेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट है, अगर मैं बात करने वाला हूँ सॉल्वेंट की, किसकी बात करेंगे? सॉल्वेंट की। या कोई आपने सब्सटेंस ले रखा है, आपने क्या किया कि कंटेनर है मेरे पास, इसके अंदर आपने कोई भी सब्सटेंस ले रखा है, ठीक है, उसकी एक से ज़्यादा फेज हो सकती है, सॉलिड फेज भी हो सकती है और लिक्विड फेज भी हो सकती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? जो आपने सब्सटेंस ले रखा है वो लिक्विड फॉर्म में भी होगा और वो वेपर फॉर्म में भी होगा, दोनों फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में भी होगा, वेपर फॉर्म में भी होगा। अगर मैं वाटर की बात कर लूँ, तो वाटर है तो नॉर्मली कौन सी फॉर्म में है आपका? लिक्विड फॉर्म में। अगर इसकी आइस बना दी, क्या बना दी? आइस बना दी, सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो जब वेपर प्रेशर आपका लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर अगर बराबर हो गया सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के, सॉलिड फॉर्म या फेज बोल दो, ठीक है, मेन क्या है? जो आपका वेपर प्रेशर है वो लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर सब्सटेंस की और सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो गया, तो उस टाइम आपकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक ग्राफ बनाएंगे। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, यहाँ क्या है आपका? टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। यहाँ क्या है आपका? वेपर प्रेशर है। क्या है? वेपर प्रेशर है। अगर मैं बात करूँगा, कोई सब्सटेंस ले रखा है, सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म का ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का आएगा। ये कैसा है? ये जो आपका जो सब्सटेंस था, क्लियर, वो कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड में है, क्लियर। तो जब सॉलिड फॉर्म में था जो आपने सब्सटेंस ले रखा था, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। टाइम के साथ साथ क्या होगा? डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो ये सॉलिड फॉर्म का आपका ग्राफ आ गया। अगर बात करेंगे लिक्विड फॉर्म की, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? जब आपका सब्सटेंस प्योर फॉर्म में होगा, कैसी फॉर्म में? प्योर फॉर्म में है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा,
ये तो सभी लोगों को पता है ना कि अगर प्योर फॉर्म में होगा तो वेपर प्रेशर कुछ ग्राफ कुछ इसका इस टाइप का आएगा, ये आ गया ठीक है। अगर प्योर फॉर्म में तो ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि जो आपका लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर था वो आपके सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर के कैसे बराबर है। तो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँगा तो ये पॉइंट मुझे क्या मिल गया, टी एफ नॉट मिला। क्या मिला? टी एफ नॉट मिला। क्या मिल गया? टी एफ नॉट मिल गया। तो ये कैसा है? ये लिक्विड आपका प्योर फॉर्म में है। लिक्विड मेरा कैसा है? प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको? टी नॉट एफ मिल गया। क्या मिल गया? टी नॉट एफ। अगर बात करेंगे हम लोग सोल्यूशन की, जो सोल्यूशन होगा आपका ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। पहले से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये तो प्योर फॉर्म में था तो उस टाइम ये वेपर प्रेशर आपको मिला, क्लियर। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर मिला। आपने ये पॉइंट देखा, ये पॉइंट पे क्या है, जो आपका सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर है वो आपका बराबर है लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के, क्लियर। तो उस टाइम आपको क्या मिल गया? फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब आपने सोल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा। तो आपने यहाँ कट किया, तो इस पॉइंट पे जो कट किया ये पॉइंट, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट मिला होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो आपका सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर है ठीक है, वो आपके लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के कैसा है? बराबर है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये आपका सोल्यूशन है। क्या है? सोल्यूशन ठीक है। आपने कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया, जैसे ही मिक्स किया तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इसने क्या किया कि कुछ इस पॉइंट पर कट किया, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? टी एफ मिलेगा। क्या मिलेगा? टी एफ मिलेगा। तो यहाँ पर टी एफ की वैल्यू जब देखेंगे आप, तो टी नॉट एफ और टी एफ के बीच में क्या मिलेगा आपको? चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? चेंज। उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ की वैल्यू है। तो डेल्टा टी एफ आपको कितना मिल गया? टी नॉट एफ माइनस का टी एफ। कितना मिल गया? टी नॉट एफ माइनस का टी एफ ठीक है। ये क्या होगा? जो आपका डेल्टा टी एफ होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? मोलैलिटी। किसके? मोलैलिटी। मोलैलिटी के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये रिलेशन निकल के आएगा यहाँ से, जो आपका डेल्टा टी एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? मोलैलिटी के हो जाएगा ठीक है। मोलैलिटी क्या? मोलैलिटी वो है कि जो आपका सोल्यूशन है उसमें आपके सॉल्यूट मिक्स है ठीक है, तो उससे क्या बना? सोल्यूशन मिला। और मोलैलिटी क्या होती है? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिजोल्व हुए हैं, मोल्स डिजोल्व हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलैलिटी बोलते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कि कितना आपका सॉल्यूट डिजोल्व हुआ सॉल्यूशन के अंदर ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या करेंगे? मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे, एम से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? के एफ लगा देंगे। इनटू क्या करेंगे हम? एम। तो ये आपका फार्मूला निकल के आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके ऊपर आपके नीट में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूँगा, ये आपका वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, तो ये आपके सॉलिड का ग्राफ आ गया। जो सब्सटेंस था उसका वेपर प्रेशर का सॉलिड का ग्राफ ये आ गया। अगर सब्सटेंस मेरा प्योर फॉर्म में है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये जाएगा, ये जाते जाते इस पॉइंट पे क्या करेगा? कट कर देगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका डिप्रेशन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर है आपके वेपर प्रेशर सॉलिड के, वेपर प्रेशर लिक्विड बराबर है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सब्सटेंस लिया था आपने उसका वेपर प्रेशर सॉलिड का बराबर है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसके लिक्विड के। तो ये प्योर फॉर्म में था। कैसी फॉर्म है? ये प्योर फॉर्म है, कोई मिलावट नहीं है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर इसमें मैंने कुछ मिला दिया तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे क्या मिला आपको? डेल्टा टी नॉट एफ मिल गया।
फिर इसके बाद क्या किया आपने, सोल्यूशन का वेपर, सोल्यूशन की बात की, तो सोल्यूशन ने क्या किया, यहाँ पे ये वेपर प्रेशर का ग्राफ आया, आते आते ये इस पॉइंट पर कट किया, तो ये जो वो पॉइंट मिला जहाँ पे आपकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, सोल्यूशन की, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका सोल्यूशन फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ मिलेगा मुझे TF. TF क्या है आपके, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, सोल्यूशन का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और T0F क्या है, T0F है आपके प्योर सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर जहाँ पे वो फ्रीज करेगा, जो आपका प्योर सब्सटेंस होगा वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा, ये टेम्परेचर वाली लाइन बताएगी, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एम आपके क्या है, मोलेलिटी, एम क्या है आपका, मोलेलिटी है। अब KF क्या है मेरा, KF है आपका मोलल, KF है आपका मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बोल देंगे इसको, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बोल देंगे, क्लियर। अब M देख लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ देखते हैं, बात करेंगे हम डेल्टा TF की, सही है? तो डेल्टा TF क्या होगा हमारा, KF इंटू एम, एक तो फार्मूला आपका ये हो जाएगा, सही, तो बाद में फार्मूला और क्या बनेगा, डेल्टा TF KF इंटू मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं हम, वेट किसका, सॉल्यूट का वेट डिवाइड बाय मोलर मास किसका आपके, सॉल्यूट का मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, इंटू वेट किसका, सॉल्वेंट का, वेट सॉल्वेंट का, ये किस में लेंगे, अगर ये ग्राम में लेंगे तो ये भी ग्राम में लेंगे, क्लियर, इंटू क्या करेंगे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल सा ये आपका फार्मूला बन के आ जाएगा, ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई होगा, जो आपके नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं, जितने भी आपके नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हैं, यानी कि सोल्यूशन में जाके सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसोसिएट भी नहीं हो रहे हैं, एसोसिएट भी नहीं हो रहे, मतलब ब्रेक नहीं हो रहे हैं, यानी कि उनका एक मोल आप अगर आपके पास है तो सोल्यूशन में जाने के बाद भी उनका एक ही मोल रहना चाहिए, मोल चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट कर गए तब आपको एक टर्म और आएगा भी आगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो सिंपल सा फार्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है कि जो आपके सॉल्यूट होते वेट किसके, सॉल्यूट का वेट डिवाइड बाई मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, तो ये तो मोल्स हो गए, फिर डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट के वेट से, ठीक है, अगर ग्राम में लेंगे तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या करेंगे सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका फार्मूला आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, किसका फार्मूला है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में, बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, बात करेंगे कि वो क्या होगा, सिंपल सा फार्मूला है, ये फार्मूला लगा के अप्लाई करेंगे आपके सारी वैल्यू निकलने लगेंगे। तो अगर मैं बात करूँगा, एक बार बात कर लेंगे डेल्टा T0F की, ठीक है, ये क्या है आपका टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है किसका, जो आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट दे रखा है, T0F का मतलब क्या है, ये आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, सॉल्वेंट कैसा मेरा, प्योर फॉर्म में कोई मिलावट नहीं है, तो उसके लिए ये आपका, अगर TF की बात करेंगे, ये क्या है आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन है उसका क्या है, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और M क्या है आपका मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, M है आपका मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपका सोल्यूशन है उसकी मोलैलिटी। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी ये फार्मूला लगाएंगे T0F माइनस का TF स्कल टू KF इंटू I, फार्मूला छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं, तो T0F ये आपके सॉल्वेंट कैसा, प्योर फॉर्म है, सॉल्वेंट मेरा प्योर फॉर्म है, तो उस टाइम पे आपका क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर है। TF का मतलब क्या, जो आपका सोल्यूशन है,
सॉल्यूशन का क्या है, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, के एफ है मोलल कॉन्स्टेंट हो गया, एम क्या हो गई आपकी मोलैलिटी, एम क्या हो गई मोलैलिटी। सॉल्यूशन की पीडीएफ सेंड कर देंगे बेटा, कर देंगे आज कर देंगे पक्का, आज आप लोगों को शीट मिल जाएगी। कुछ लैपटॉप नहीं मिला था मुझे तो इसलिए मैं सेंड नहीं कर पाया था, लेकिन आज पक्का कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव, ये है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल था है, कोई इतना टफ नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या किया मैंने, एक कंटेनर ले लिया ये। ठीक है, तो कंटेनर लेने के बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर की, ये भी आपका क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या है ये आपकी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये क्या होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मैं थोड़ा नीचे बना दे रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर बन गया, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये कंटेनर है, क्लियर। अब इसमें क्या किया मैंने, बीच में एक पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन किसी दूसरे नए कलर का बनाया जाए, ये क्या किया आपने एक पार्टीशन कर दिया, ये कुछ इस टाइप से लगा दिया, छलनी टाइप का लगा दिया, इसको बोला सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपकी क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसका काम क्या है इसकी बात करेंगे, और यहाँ पे मैंने क्या किया सॉल्यूशन फिल कर दिया, यहाँ आपने फिल कर दिया प्योर वाटर, क्या फिल किया प्योर वाटर को फिल कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या फिल किया, अगर यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे आपने सी वाटर को फिल कर दिया है, एक बराबर सॉल्यूशन था ये आपका, ये आपने सी वाटर, ये क्या है आपका सी वाटर है, क्लियर। तो ये है आपका प्योर वाटर है, इस साइड है आपका सी वाटर है। ठीक है, और ये क्या है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसकी बात करते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है एक्चुअल में, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूँगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पहले तो मैं बात कर ले रहा हूँ जिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अगर मैं काम देखूँ तो इसका काम क्या होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलो इसके लिए बात कर ले रहे हैं कि ये क्या होगी, तो इसमें क्या होता है कि आपने एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, कंटेनर लेने के बाद, कंटेनर छोड़ो आप घर पे चाय बनाते होगे, चाय सब लोग पीते हैं, तो चाय बना ली। ठीक है, चाय में क्या किया चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला, चाय बन के तैयार हो गई। लेकिन जब आप उसको क्या करते हैं छानते हैं, एक छलनी ले ली और नीचे कप ले लिया, चाय ऊपर से लौटते गए तो आप देखते होंगे कि लिक्विड आपका सारा कप में इकट्ठा हो गया, लेकिन जो चाय पत्ती थी वो आपकी छलनी में ही रह गई, देखा है ना सबने, छलनी में ही रहेगी चाय पत्ती, और जितना आपकी चाय थी चाय नीचे आपकी कप में आ गई। तो उसमें देखा क्या गया कि जो छलनी थी, छलनी का जो साइज़ था, साइज़ का मतलब जिसमें से जो चाय के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स निकल रहे थे उनका साइज छोटा था। अगर आप बात करेंगे पत्ती की बात करेंगे तो पत्ती के पार्टिकल का साइज छलनी से कैसा है बड़ा है, छलनी से कैसा है बड़ा है, तो वो उसमें से बाहर नहीं आ रहे थे,
वो छलनी में ही रह गए। उसी तरीके से क्या होता है कि ये कंटेनर बना दिया और इसमें मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका प्योर वाटर है। कैसा है ये? प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इन कंपेयर सी वाटर से। सी वाटर में क्या होगा, आपका नमक भी ऐड होगा, वाटर तो होगा ही, वाटर के साथ साथ NaCl भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपके सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज कैसा होगा, पार्टिकल साइज कैसा होता है, लेस होगा, किससे, इन कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूँगा सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज से, सॉल्यूट पार्टिकल साइज, सॉल्यूट के पार्टिकल साइज से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज कैसा होता है, छोटा होगा। तो ये आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है, तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है तो ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और कैसा, नेचुरली, ऐसा नहीं है कि आप इसको पुश कर रहे हैं, ये अपने आप क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है, और वहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। तो ये जो आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये जो सॉल्यूशन फिल है, तो ये क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका ये जो सॉल्यूशन है, ये वाटर का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, वो क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। तो ये छलनी है, छलनी में क्या है, ये सारे प्योर वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें कोई मिलावट तो है नहीं, इस वाले में इसमें कोई मिलावट नहीं, प्योर पार्टिकल्स है। इसमें कैसे, नमक के भी पार्टिकल्स होंगे बीच में, ये सब नमक के पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स अपने आप मूव करने लगेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स अपने आप मूव करने लगे। क्या करने लगे, मूव करने लगे, क्लियर, क्या करने लगे, मूव करने लगे। और ये मूव अपने आप करते हैं, नेचुरली करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, यानी कि जो भी आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, किस में से, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, हाई कंसंट्रेशन के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उस, और ये नेचुरली है, इसमें आपने कुछ मिक्स नहीं करा है अपनी तरफ से, ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जैसे मैंने यहाँ पे ये हाइट है, ये ढलान है, फिर यहाँ पे एक बॉल रख दी, ठीक है, तो ये बॉल रखा हुई है, जैसे ये बॉल इस पॉइंट पर आएगी तो ये अपने आप क्या करेगी, नीचे आने लगेगी और इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपने आप ही आई है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया हो, जैसे ये बॉल इस पॉइंट पर आई तो उसके बाद क्या होगी, ये सीधे नीचे आ गई, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल आपके मूव करने लगेंगे लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स अपने आप मूव करने लगते हैं नेचुरली, किस में से, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा उसके लिए बात कर ले रहे हैं। इतना तो पता चल गया हमें कि जब हमारे पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, तो उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस नेचुरली है, इसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, अपने आप हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो आपने एक चीज़ देखी कि जब ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इसका लेवल कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा पानी का, इसमें वाटर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, लेवल बढ़ जाएगा ना। तो आपने क्या करेंगे, ऊपर एक पिस्टन लगा देंगे। इस पॉइंट पे क्या किया आपने, एक पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया, ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया कुछ इस टाइप से, ये क्या है आपने, पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया, ये क्या है आपका, पिस्टन है, आपने क्या किया, पिस्टन लगा दिया, ठीक है, ये पिस्टन। तो फिर आपने क्या किया कि जब आप इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, प्रेस करना है ना, तो ये जब प्रेस करेंगे तो
पिस्टन की जो सरफेस होगी वो इन पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगी, पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर लगेगी, जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ आ रहे थे उनका आना कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, कम हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आप देखेंगे कि अगर आपने यहाँ से प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स इस वाली साइड जाएंगे, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या करेंगे, पार्टिकल इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करने लगेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ आ रहे थे वो भी कुछ कम हुए होंगे, जो पहले यहाँ से देखिए कि जो पार्टिकल्स यहाँ से प्योर वाटर से आपके सी वाटर में आ रहे थे तो उनका आना कुछ कम हुआ होगा, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाएंगे तो उनका आना कुछ कम हुआ होगा, फिर आपने प्रेशर थोड़ा और लगाया तो उनका आना कुछ और कम हुआ, फिर आपने और प्रेशर लगाया, इतना प्रेशर लगा दिया कि जो आपके हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे उनका आना बंद हो गया, उनका आना जाना क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया। जो पार्टिकल्स आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते 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 एक टाइम ऐसा आया कि उन पार्टिकल्स का आना कैसा हो गया, बंद हो गया, उन पार्टिकल्स का आना कैसा हो गया, बंद हो गया, ठीक है? तो उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे पार्टिकल्स का आना बंद हो गया, पार्टिकल्स आ ही नहीं रहे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेशर लगेगा उसी को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे आप लोग, सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आपने प्रेशर लगा दिया इतना कि जो आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स आ रहे थे, वाटर के, प्योर वाटर के पार्टिकल्स आ रहे थे, वो पार्टिकल्स आना उस टाइम बंद कर देंगे, उस पर्टिकुलर प्रेशर पे उन पार्टिकल्स का आना कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने प्रेशर लगाया है कि जिस टाइम पे पार्टिकल्स आपके मूव कर रहे थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेशर लगा उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है? चलिए, इतना तो आपकी समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या किया कि आपने प्रेशर और ज़्यादा लगा दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ की तरफ तो पार्टिकल्स आ रहे थे वो तो बंद हो गए, अब पार्टिकल्स यहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक ऑस्मोसिस क्या हो गया कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल जाने लगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, नेचुरली जा रहे हैं, ठीक है? तो इनको बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब आपने प्रेशर इतना लगाया कि जो पार्टिकल्स आ रहे थे आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, एक टाइम ऐसा आया कि उनका आना बंद हो गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेशर लगा उसको बोलेंगे आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपने प्रेशर इतना ज़्यादा लगा दिया यहाँ पे, जो आपका सी वाटर था इसमें आपने प्रेशर इतना ज़्यादा लगा दिया कि सी वाटर से पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट हो गए आपके प्योर वाटर की तरह, तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए इसके फॉर्मूले की बात कर ले रहे हैं, फॉर्मूला क्या होगा इसका, आया ना समझ में ये? तो इसका फॉर्मूला होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो आपने एक इक्वेशन देखी होगी PB बराबर NRT, तो यहाँ से ही ड्राइव हो जाएगा। तो रिवर्स जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका फार्मूला क्या आएगा, आपको रिप्रेजेंट किया पाई से, किससे, पाई से। V है वॉल्यूम, N है आपके मोल्स, R आपका गैस कॉन्स्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। तो पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, N अपॉन V RT। तो N अपॉन V क्या हो गया आपका, N अपॉन V की अगर मैं बात करूँ, N अपॉन वी, एन क्या है आपके मोल्स, एन क्या है आपके मोल्स, वी क्या है वॉल्यूम, जो आपका सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम है, जो आपका सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम है। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाते हैं आपकी, मोलैरिटी। क्या हो जाते हैं, मोलैरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपकी मोलैरिटी, वॉल्यूम किस में होगा, ml में। तो आप क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई इंटू इसको क्या लिख देंगे आप लोग, मोलैरिटी यानी कैपिटल एम आर टी,
एम नहीं होगा, आपकी बुक में है सी लिखा हुआ है, बुक में क्या है सी, तो सी लिख देंगे, सी आर टी कर देंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका ड्राइव होगा वो ये होगा, पाई स्कल टू सी आर टी, पाई स्कल टू क्या होगा सी आर टी। तो पाई क्या है मेरा, प्रेशर है, कैसा प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो प्रेशर हो गया, प्रेशर किस में होगा, एटीएम में होगा, अगर ये एटीएम में होगा तो ये क्या हो गई आपकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी की यूनिट आपको सीधे सीधे मोल में ही दे रखी, मोलैरिटी में ही दे रखी होगी कैपिटल एम में, सही है। और आर की वैल्यू आप कितनी लेंगे यहाँ पे, 0.08831 ले लेंगे, इतनी ले लेंगे, ठीक है। और टी की वैल्यू आप लेंगे केल्विन में, टी की वैल्यू किस में लेंगे, केल्विन में ले लेंगे, केल्विन में लेंगे, सेंटीग्रेड में दी रखी होगी वैल्यू आपको, तो आप क्या करेंगे 273 प्लस सेंटीग्रेड को ऐड कर देंगे, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, फिर एटीएम में आप किसको निकालेंगे, प्रेशर को किस में निकालेंगे, हमेशा प्रेशर को आप निकालेंगे एटीएम में, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला ये पाई इजकल टू सी आर टी, ठीक है, सी आर टी। तो पाई क्या हो गया आपका, प्रेशर हो गया, ठीक है, और किस में होगी यूनिट, एटीएम में लेंगे, टेम्परेचर केल्विन में, और ये आपकी आर की वैल्यू रख देंगे 0.0821, सी की वैल्यू आपकी मोलैरिटी में रख देंगे, सिंपल साली वैल्यू रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो सिंपल सा टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आया कि नहीं आया, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूँगा, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करेंगे कि आपने एक कंटेनर लिया, एक तरफ आपने प्योर वाटर को फिल कर दिया, दूसरी तरफ आपने क्या किया, आपने प्योर वाटर की जगह पे सी वाटर को फिल कर दिया, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो प्रोसेस क्या होगा, जो आपका प्योर वाटर है उसी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो मूव करने लगेंगे पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सी वाटर की तरफ, कहाँ मूव करने लगेंगे, सी वाटर की तरफ। तो आप क्या करेंगे, सी वाटर की तरफ एक प्रेशर अप्लाइड कर देंगे, तो प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे उनका मूव होना बंद हो जाएगा, सी वाटर से प्योर वाटर से सी वाटर की तरफ जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे तो उनका आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने जो प्रेशर अप्लाइड किया है उसी को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक। सिंपल सा उसका फार्मूला है पाई बराबर सी आर टी, सी आर टी, सी आर टी, सी आर टी फार्मूला आप तब तक लगाएंगे जब तक आपको जो सॉल्यूट दे रखा है वो आपका डिसोसिएट भी नहीं होगा, एसोसिएट भी नहीं होगा, तब तक आप ये लगा सकते हैं। सॉल्यूट आपको क्या क्या दे रखा होगा, अगर सी आर टी फार्मूला लगा रहे हैं, पाई स्कल टू सी आर टी आपने फार्मूला लगा दिया है, ठीक है, तो जो आपको सॉल्यूट दे रखा होगा, सॉल्यूट आपको दे रखा होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गई, ये सारे दे रखे होंगे जो कि आपके डिसोसिएट नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर। अगर ये डिसोसिएट हो गए तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके चेंज हो जाएंगे सॉल्यूशन में, तो आपका आंसर कैसा होगा, गलत आएगा, आंसर कैसा आएगा, गलत। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सिंपल से सॉल्यूट होंगे आपके, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर लिख लो, तो ये जितने भी होंगे ये ना तो आपके डिसोसिएट होंगे और ना ही एसोसिएट होंगे। तो आपने सारी प्रॉपर्टी देख ली, कॉलिगेटिव आपकी चार प्रॉपर्टी दी, चारों के लिए एक एक करके बात कर ले रहे हैं, जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो पहला था आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये क्या था आपका पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट ए स्कल टू कितना हो गया एक्स बी, ठीक है, एक्स बी क्या था आपका नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, उसके मोल फ्रैक्शन है। दूसरी क्या थी आपकी, दूसरी थी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी क्या थी एलिवेशन
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। फिर थर्ड वन आपकी क्या थी, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसके लिए फार्मूला क्या था आपका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, सेम फार्मूला है, बस हल्का सा चेंज है, वो आप लोग याद रखेंगे। फोर्थ आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ वन क्या है आपकी, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इसकी बात करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाई स्कल टू सी आर टी, पाई स्कल टू सी आर टी लगा देंगे। तो डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ के बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा टी बी माइनस का टी बी नॉट स्कल टू के वी इंटू एम, ये फार्मूला लगाएंगे। यानी कि जो आपके सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ज़्यादा होगा इन कम्पेयर प्योर जो आपका सॉल्वेंट दे रखा उसके बॉइलिंग पॉइंट से। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें उल्टा हो जाएगा, डेल्टा टी नॉट एफ ग्रेटर ज़्यादा होगा टी एफ से, इक्वल टू क्या करेंगे के एफ इंटू एम कर देंगे। यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट दे रखा है उसका उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा इन कम्पेयर जो आपके सोल्यूशन के फ्रीजिंग टेम्परेचर से। तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगा देंगे। लेकिन ये सारे फार्मूले आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपका सॉल्यूट मेरा कैसा होगा, ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा, तब ये सारे फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूट मेरा ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा। अगर डिसोसिएट, अगर एसोसिएट हो रहा है मेरा सॉल्यूट, तो ये फार्मूले आप अप्लाई इस कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर एक टर्म आपका और आ जाएगा वांट ऑफ फैक्टर, उसको लेके आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ऐसे आप डायरेक्ट इन फार्मूलों को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट आपका डिसोसिएशन, जो आपका सॉल्यूट है डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, जो आपका सॉल्यूट है उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन, एसोसिएशन नॉट अकर, मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन आपके सॉल्यूट का नहीं होना चाहिए, तब आप ये सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अभी मैंने लिखा था यूरिया हो गया आपका, शुगर हो गई और साथ में ग्लूकोज हो गया। तो अगर ये डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो रहे हैं तो आप ये सारे फार्मूले सिंपल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पी नॉट ए ये क्या है आपका, जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का क्या है, ये प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर वेपर प्रेशर है, ये आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसके हैं, सॉल्यूट के। और सॉल्यूट कैसा था, इसमें नॉन वोलेटाइल था, ठीक है। के भी क्या है आपका, ये आपका एलिवेशन ऑफ मोलल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और एम क्या, मोलेलिटी है। तो इसमें याद करेंगे टी वी, टी वी क्या है आपका, टी बी, टी वी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको सारे टर्म के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सारे टर्म के बारे में पता नहीं होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपके सोल्यूशन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर कैसा है, ये सोल्यूशन का है। टी नॉट, नॉट का मतलब हो गया प्योर, नॉट जैसी नॉट लग जाए तो क्या हो गया, प्योर हो गया। वेपर प्रेशर तो हमेशा उसके खुद के सोल्यूशन से हमेशा ही ज़्यादा होगा। अगर प्योर की बात करेगा, एक आपका कोई सब्सटेंस है प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा उसके खुद के सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से, ये बात आप लोग याद रखेंगे। पता है ना, ये क्लियर छोटा सा टॉपिक है कि वेपर प्रेशर हमेशा कैसा होगा, आपका कोई भी सब्सटेंस दे रखा है उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है तो ज़्यादा होगा इन कंपेयर उसके खुद के सोल्यूशन से। क्योंकि सोल्यूशन में क्या होगा कि आपके कोई और सब्सटेंस होगा उसके पार्टिकल भी क्या होंगे, सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। प्योर में क्या होता है, सारी की सारी सरफेस होती है, लिक्विड की सरफेस होगी, उस पर आपके सारे के सारे प्योर सब्सटेंस के क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स होंगे और वो ईजिली क्या कर जाएंगे, वेपराइज कर जाएंगे। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपका वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये सिंपल से फार्मूले हैं, फार्मूले आप लोग अप्लाई करेंगे और सिंपल सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजिली कर जाएंगे। अगर आप ये सारे फार्मूले लगाएंगे
तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? कितना हो गया? तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी, सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो जिस पे हमने बात की थी, ठीक है। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इस पे न्यूमेरिकल होंगी। जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं आज सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, मैं ग्रुप में शीट सेंड कर दूंगा इसकी पीडीएफ फॉर्म में, और आप लोग क्वेश्चन करेंगे, किसी का कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।